सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग चिड़ियों से संबंधित एक कविता जो आपके प्रथम पाठ में दिया गया है आपके किताब में, उसमें क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। पाठ एक, वह चिड़िया जो, कविता का नाम है, शीर्षक है। तो उस कविता में किन बातों पर कवि ज्यादा जोर दिए हैं, क्या आपको कवि समझाना चाहते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कवि के कहने का तात्पर्य क्या है, कवि इस कविता के माध्यम से आपको क्या सीख देना चाहते हैं। इस कविता के कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल जी है। कविता के कवि का नाम आप समझ गए, केदारनाथ अग्रवाल। कविता का नाम आप समझ गए, वह चिड़िया जो। अब इन कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, बच्चों में क्या संदेश देना चाहते हैं, इसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप चिड़ियों से संबंधित और कई कविताएं पढ़े होंगे, जैसे इससे अगले वर्ग में जब आप जाएंगे तो हो सकता है कि आपको चिड़ियों से संबंधित एक और कविता, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, यानी और बहुत सारी कविताएं चिड़ियों पर बनी हुई है, चिड़ियों से जुड़ी कविताएं बहुत सारी हैं। उसी में से एक कविता यह भी है जिसको आज आप पढ़ने जा रहे हैं। तो वह चिड़िया जो, कवि क्या कहना चाहते हैं, वह चिड़िया जो चोच मार के दूध भरे जूढ़ी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। बच्चों, अन्न से तो सभी को प्यार है, अन्न से किसे नहीं प्यार है, लेकिन चिड़िया अन्न का दाना अपने चोंच से जब वह चुन करके खाती है तो उसमें उनको बहुत आनंद आता है। अब यहाँ एक शब्द आया है जूढ़ी। जूढ़ी का अर्थ होता है जौ और बाजरे की, जो जूढ़ी के दाने यानी जौ और बाजरे के दाने। तो आप देखते होंगे चिड़ियों को, आप पिंजरे में बहुत सारा चीज़ दे दीजिएगा, तरह तरह की मिठाइयाँ दे दीजिए, एक से एक चीज़ बढ़ करके आप उसको खाने के लिए, वो उसको पसंद नहीं है। उसे क्या पसंद है, अपने चोंच से फलों को कुतर कर खाना, दानों को चुन करके खाना, ये सब उनको बहुत पसंद आता है। तो बच्चों, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूढ़ी के दाने, यानी वह जो दाना होता है जौ और बाजरा का, उसके अंदर देखे हो कभी जब उसको कोई फोड़ता है या टूटता है तो उसमें दूध भरे यानी क्या दूध के सामान उसके अंदर में रहता है। इसीलिए कभी क्या कहते हैं, दूध भरे जूढ़ी के दाने। वह जो जौ और बाजरे के दाने हैं उसको जब फोड़ोगे तो दूध के सामान उजला रंग का उसका जो पौष्टिक पदार्थ है वह उसमें रहता है। इसीलिए कहा कभी क्या कहते हैं, दूध भरे जूढ़ी के दाने। रुचि से रस से खा लेती है, रुचि माने क्या आनंद आता, उसको खाने में उन्हें बहुत आनंद आता है, किसे, चिड़िया। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी चिड़ियों के स्वभाव का वर्णन कवि कर रहे हैं कि क्या कहना चाहती है चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, उनके मन के स्वभाव में ऐसा है। तो वह क्या कहती है, कहते हैं कभी कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है, अन्न से बहुत स्नेह है। अब चलिए दूसरा, जो दूसरी पंक्तियों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वह चिड़िया कंठ खोलकर, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, क्या है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ खोलकर यानी क्या, आप
जानते हैं, जब आप उसे कुछ कहेंगे गाने के लिए तो आपके कथनानुसार वो कुछ नहीं बोल करके वह चीज़ें सुनाएगी, लेकिन जब उसके अपने मन प्रसन्न रहेंगे तो वह उस सुनसान जंगलों में भी पेड़ों पर बैठ करके खूब अच्छा से अपने मधुर स्थान से अपने मुंह से अपने चोंच से वह शब्द निकालते रहते हैं, मुंह से वह शब्द निकालते रहते हैं। कौन? चिड़िया। तो वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी क्या? चिड़िया क्या चाहती है? चिड़िया तो इस सुनसान आकाश में भ्रमण करना चाहती है, और लोग क्या चाहते हैं कि उसको पकड़ के पिंजरों में कैद करके रखें, चिड़िया के मनोदशा को वह ठेस पहुँचाना चाहते हैं अपने स्वार्थ के कारण। तो यहाँ चिड़िया के बारे में कभी कह रहे हैं कि जब वह उस वन में भ्रमण करते हैं तो वह खूब अच्छा से अपने मनोनुकूल मुँह से आवाज़ निकाल के वह गा लेती है, लेकिन जब कोई इसे पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वह नहीं गाती। यानी कहने का तात्पर्य है कवि का कि चिड़िया क्या चाहती है, कि चिड़िया का कैसा स्वभाव है कि मैं बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर यानी क्या पूरी प्रसन्नता के साथ गाऊँ। चिड़िया में वह स्वभाव कवि पाए हैं, चिड़िया में वह स्वभाव पाई जाती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आप देखते होंगे, आप चिड़ियों के लिए लोग कभी कभी क्या करते हैं तो बगीचे में थोड़ा सा जल किसी घड़ा में किसी पात्र में रख देते हैं ताकि चिड़िया आएगी वो अपना प्यास बुझाएगी, ठीक है। लेकिन चिड़िया को उससे भी ज़्यादा स्नेह क्या है, जब वह बहती हुई नदी का जल उस मोती के समान समझ करके उसको अपनी चोंच में जब एक बार ले लेती है तो उसे बहुत आनंद आता है। उफनती हुई नदी में वह पहुँच करके और वहाँ से चोंच मार करके एक बूंद पानी ले लेती है जिसे वह मोती के समान समझती है। कवि ऐसा कहना चाहते हैं कि वह जल उसे बहुत ही आनंदित करता है, उस जल की अपेक्षा जिसको कि आपने कटोरा में रखा या किसी पात्र में किसी बर्तन में रख दिया। तो बच्चों, चिड़िया का क्या स्वभाव है कि चिड़िया नदी का दिल टटोल कर लगता है जैसे नदी उसको बुला रही हो, नदी हृदय से उसे स्नेह देती हो, तो उसे बुला करके और उसका दिल टटोल करके वह जाती है और उसमें से पानी का एक बूंद जल का एक बूंद ले लेती है। चिड़िया बहुत ही अपने आप को उसमें प्रसन्नता का अनुभव करती है, प्रसन्न रहती है। अब केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा कुछ और बातों को जो इस पाठ में समझाया गया बच्चों, इसे भी मैं समझा रहा हूँ, आप स्वयं से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कवि ने अपने स्वभाव में यानी कवि बताए हैं, क्या बताए कि उसके स्वभाव में किनके स्वभाव में, कवि के स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। यानी कवि के स्वभाव में क्या है, नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है, वह संतोषी है, अन्न से उन्हें बहुत स्नेह है, वह अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती हैं, मुँह बोली हैं, एकांत में भी उमंग से रहती हैं, वह उफनती नदी के बीच जाकर जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है, उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किए हैं। यानी
कवि इस कविता के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं कि चिड़ियों के स्वभाव को, यानी मनुष्य अगर अपने मन के स्वभावों को चिड़ियों का तुलना दे करके समझाने का प्रयास किए हैं। यानी अंत में उन्होंने बताया है ना कि कल्पित चिड़िया के माध्यम से, यानी अपने भीतर, यानी क्या मन में जो एक कल्पना से भरी चिड़िया है, उनके माध्यम से मनुष्य का जो महत्वपूर्ण गुण है उनको उजागर किए हैं। तो बच्चों अब आप लोग करेंगे क्या, इस कविता को याद करके अपने कॉपी में सबसे पहले लिखने का प्रयास करेंगे, इसके बाद इनके जो अर्थ बताए गए हैं उनके आधार पर आप प्रयास करेंगे कि कविता में 2-3 प्रश्न जो है उनका उत्तर आप स्वयं से लिखें, और फिर अगर आपसे अगर नहीं हो पाएगा तो मैं अगली क्लास में आपको इसे लिखाने का प्रयास करूँगा। आज इतना ही, आप सभी को धन्यवाद।